हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली आप सभी के हैवी डिमांड पे आज को हमारे इंडियन बाइड M3 का न्यू अपडेट, जिसमें कि यहाँ पे आपको 10 से भी ज्यादा न्यू अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सारे के सारे न्यू अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। साथ में यहाँ पे मैं आपको डायनासोर का भी चीट कोड बताने वाला हूँ, जिसका चीट कोड अभी तक किसी ने भी आप सभी को नहीं बताया। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, यहाँ पे मैं आपको कन्फर्म पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप ये सारे के सारे चीट कोड जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि भाई मेरे पास है यहाँ पे मॉडिफाइड थार, जिसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। भाई मैं सारे के सारे अपने मॉडिफाइड थार को यहाँ पे कलर चेंज करके आप सभी को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे कलर्स हमारी मॉडिफाइड थार के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इजिली मेरी सारी की सारी गाड़ियों पर लगा रहा हूँ, और उसके बाद में गाइस यहाँ पे हम आगे जाएंगे जोरासिक वर्ल्ड में, जहाँ पे मैं उसकी लोकेशन भी बताऊंगा, आपको गेम कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही में आप डायनासोर को कैसे स्पॉन करवा सकते हो, उसका क्या चीट कोड होने वाला है वो भी इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, और साथ ही में यहाँ पे मैं आपको अपने जर्मन शेफर्ड डॉग का भी चीट कोड बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हो भाई मेरे पास ऑलमोस्ट सारी की सारी यहाँ पे भाई महिंद्रा थार वाली न्यू मॉडिफाइड कार है, और यहाँ पे मेरी फेवरेट सबसे यहाँ पे व्हाइट कलर की लग रही है। सो चलो इसको लेके चलते हैं, और यहाँ पे मैं आप सभी को अब दिखाने वाला हूँ सारे के सारे न्यू अपडेट्स। सो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, जो कि हमारी एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी ना, उसके चारों तरफ यहाँ पे न्यू बाउंड्री लगाई गई है, जो कि दिखने में काफी अच्छी लग रही है भाई पर्सनली मेरे को। और सामने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई फाइनली यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ अपने भाई पेट्रोल पंप पे, जो कि इंडियन कंपनी का ये है। वैसे यार है काफी अच्छा, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेक्सचर भी, यहाँ पे जो नीचे ग्राउंड में यहाँ पे न्यू जो टेक्सचर लगाई गई है भाई, काफी मस्त लग रहे हैं मेरे को तो, एक नंबर के ऑसम। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा डर्ट वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है, सो मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। और अगर बात की जाए गेम में भाई कौन कौन सी न्यू चीजें ऐड की गई है, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पे काफी सारी ऐसी न्यू बिल्डिंग भी ऐड की गई, जो कि दिखने में काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे एक बिल्डिंग से कलर को भी पेंट किया गया, जो कि पर्सनली मेरे को काफी अच्छा लगा। और अगर आपने यहाँ पे कोई चीज नोटिस की है तो वो ये है कि अगर हम जब भी किसी भी NPC को यहाँ पे हिट करते हैं, तो पहले हमारी गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज मिलता था, और गाड़ी को यार यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई हिलती भी नहीं थी, सामने एकदम स्टक हो जाते, रुक जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है यार, जो न्यू अपडेट आया ना उसमें यहाँ पे आप किसी भी NPC को यहाँ पे मतलब हिट कर सकते हो, उसके बाद में यार वो आपकी गाड़ी को बिल्कुल डैमेज नहीं मिलने वाला है। सो चलो अब मैं आप सबको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ भाई सीट कैसे बच गया। हाँ बाल बाल मतलब की टक्कर हो गई, लेकिन यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी को और उसको भाई वो तो मर गया, अपनी गाड़ी को कुछ ऐसा डैमेज नहीं मिला। सो फाइनली अब मैं आज को यहाँ पे जोरासिक वर्ल्ड के पास में, जो कि दिखने में काफी अच्छा है, और यहाँ पे ये रहा उसका एंट्री गेट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी गाड़ी को मैं खड़ी कर देता हूँ, उसके बाद में सबसे पहले हम इसके अंदर नहीं जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको सारे के सारे न्यू चीट कोड बताने वाला हूँ। जैसे कि अपनी महिंद्रा थार का चीट कोड क्या है, वैसे तो आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका चीट कोड है 9090, बट यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से, यहाँ पे सबसे पहले तो तुम ये देख लो कि जोरासिक पार्क का भाई क्या मस्त गेट लग रहा है भाई, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है सच्ची में, ऐसा मतलब की रियल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अगर बात करी जाए चीट कोड की, तो यहाँ पे चीट कोड है 9090। जैसे यहाँ पे आप चीट कोड को डायल करते हो तो आप सभी के सामने ये मिल जाती है। और बात की जाए कि अपने जर्मन शेफर्ड डॉग का क्या चीट कोड है, तो वो 600 है। जैसे यहाँ पे आप डायल करोगे तो भाई आपको आपके सामने देखने को मिल जाएगा। और इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप ये आपको फॉलो भी करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता हूँ, उसके बाद में ये सारे के सारे मेरे को फॉलो करने वाले हैं। तो चलो भाई अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं यहाँ पे। और व्हाइट वाली यार कैसी लग रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और ये तो वीडियो की बस स्टार्टिंग है, इस वीडियो के एंड तक तो मैं आपको इतने सारे न्यू अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि काफी मस्त होने वाला है। तो चलो मैं आज को हम जोरासिक वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पे भाई मेरे डॉग मेरे पीछे कर रहा है भाई, क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार सच्ची में, यार एकदम रियल वाली चीज है यार, न्यू अपडेट तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है मेरे को। तो चलो अब हम चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखो भाई अपने डॉग हमें भाई कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए कि भाई अगर मैं इनको हिट कर दूं तो ये मर जाएंगे। और यहाँ पे तुम ये देखो कि भाई पूरा का पूरा मैप कितना ज्यादा बड़ा यहाँ पे बनाया गया। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि भाई जो न्यू मैप आने वाला, मतलब की जो ये एरिया आने वाला है जोरासिक पार्क का, यार ये काफी बड़ा होने वाला है। सो यार फाइनली मेरी बात बिल्कुल सच हुई, यहाँ पे तुम देख सकते हो चारों तरफ काफी बड़ा है। अगर बात की जाए कि यहाँ पे भाई डायनासोर, तो डायनासोर अभी हमें दिख जाएंगे, क्योंकि यार वो कभी मतलब कि कभी किस साइड में चले जाते हैं, कभी किसी साइड में चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें उनको ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर तुम समझो तो,
भाई बिल्कुल, मतलब कि एक दो मिनट में मिल जाएंगे यार, साइड में थोड़ा देखेंगे ना, तो भाई यार वो कहीं भी घूमने चले जाते हैं, तो चलो हम उनको फाइंड करते हैं। वैसे भाई मेरे डॉग्स कहाँ पे रह गए? ओ भाई फाइनली यहाँ पे मेरे को एक तो दिख गया, और दूसरा का ओ यार ये तो मेरे से हिट होके मर गया। अबे यार कितनी मेहनत से मैंने इसको पाला था, तो चलो कोई बात नहीं छोड़ो इसको। और ये दूसरा वाला भी यार परेशान होगा, इसको भी मार देते, मारता। मतलब यार वैसे अगर मैं डॉग्स होता ना रियल, तो उसको नहीं मारता बट यार पैसे हैं भाई, कोई बात नहीं। चलो तो अब हम बात करते हैं न्यू अपडेट्स के बारे में। सो अगर बात की जाए भाई, ये रहा वो डायनासोर, देख भाई दिखते ही मेरे पीछे पड़ गया भाई, मेरे को भगना पड़ेगा भाई। ये एक चीज है कि आप चलो इसके अंडे फोड़ देते, भाई नहीं फोड़ रहे वो, भाई यार काफी डर लग रहा है यहाँ पे। जैसे ये तुम्हें देखेगा तो ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई कितने ज्यादा डेंजरस यहाँ पे भाई, मेरे को नाम नहीं पता बट ये मैं इनको डायनासोर ही बोलने वाला हूँ, तो यार मेरे को काफी डर भी लग रहा है इनसे भाई। क्या खतरनाक चीज है यार ये, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। छोड़ो भाई इनको, चलो एक बार क्या करते हैं इनको मारने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने एक भी नहीं है भाई इस टाइम पे, कोई बात नहीं देखते भाई कहाँ पे गया। अरे भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो एक बार चलते हैं वापस किस साइड में रह गया भाई। अबे कौन से सस्ते नशे करके बैठ गया भाई ये, तो मेरे को देखना पड़ेगा। अरे वो रहा भाई सामने है, बिल्कुल जस्ट सामने। चलो इसको हम क्रैश करवाते हैं। और यहाँ पे ओ शिट, ओ भाई क्या चीज है यार ये, भाई इसने अपनी गाड़ी को इतना गंदा डैमेज दिया। नहीं यहाँ पे तुम देखो भाई अपनी गाड़ी कहाँ पे आके फंस गई है। अबे यार ये क्या कर रहा है भाई, कितना ज्यादा खतरनाक है यहाँ पे भाई। ओ देखो भाई वापस आके इसने निकाल दिया भाई, ये तो काम अच्छा कर दिया इसने। चलो हम चलते भाई, तो ट्राई करते हैं इसको मारने की। बस ये क्या, अच्छा अपनी खिड़की है क्या यार, अपनी गाड़ी की खिड़की है, मैं डर गया था भाई सच्ची में। तो चलो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं दोबारा से इसको मारने के लिए। और ये तो अभी बच जाए, इसका पप्पा तो अभी बच रहा है। चलो ये देखो दो आगे भाई, अबे यार इनके साउंड देखो कितनी ज्यादा गंदी तरीके से साउंड निकालते भाई। गाड़ी को निकाल के भाग लो यहाँ से, अगर भाई डैमेज कर दी तो ये मार देंगे मेरे को पता है। और सामने ये रहा इनका पापा, चलो इसको ट्राई करते मारने के। अबे यार ये क्या हुआ भाई, उसको डैमेज मिला भी है या फिर नहीं, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा दोबारा से। तो चलो हम गाड़ी को मोड़ के लेके चलते। ओ भाई 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 सीधी हो जा। फाइनली यार मेरे को डर लग रहा था मैं गिर जाऊं, तो चलो यहाँ पे लेके चलते दोबारा से। और यहाँ पे भाई टक्कर करवा रहे, लेकिन यार उसको बिल्कुल डैमेज नहीं हो रहा। और यहाँ पे भाई उसकी मम्मी भी आ गई है। अबे शिट यार, ओ भाई ये क्या हो गया, यहाँ पे तो मैं मर गया भाई। मैं इनको मारना तो इम्पॉसिबल है, बट यार गाइज ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि भाई इस अपडेट में कौन कौन सी चीजें आई हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो अपनी साइड में, यहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर काफी अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, यानी कि भाई थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया, थोड़ा सा अच्छा कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी कर दी गई। ये बात करें यहाँ पे रैम चैलेंज की, तो यहाँ पे तुम रैम चैलेंज का भी टेक्सचर देख सकते हो। यहाँ पे भाई इसका कलर बिल्कुल चेंज कर दिया, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी डिजाइन बना दी गई, काफी अच्छी लग रही है पर्सनली। यार मैं बताऊँ आपको कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना भाई, आपका जैसा भी ओपिनियन है, आपको अच्छी लगी बुरी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग्स भी ऐड की गई है, वो भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा। और यहाँ पे बात की जाए तो ये साइड वाले रैम चैलेंज में भी यहाँ पे देख सकते हो भाई, इसका भी कलर चेंज कर दिया गया है, और जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है भाई। पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। तो चलो सामने भाई ट्राई करते हैं भाई, अब देखते हैं भाई एक्सप्लोर करते हैं भाई यहाँ पे कौन कौन सी चीजें न्यू ऐड की गई है। तो चलो चलते हैं यहाँ पे सामने, जो हमें रैम चैलेंज दिख रहा है ना भाई, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर रखा है। तो यहाँ पे बात की जाए इस रैम चैलेंज की, मतलब यार ये छोटे छोटे जो ऐसे ट्रैक है ना उनके ऊपर थोड़ा सा चेंज किया गया, बट यहाँ पे रैम चैलेंज में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है, मैंने पूरे के पूरे को एक्सप्लोर करके देख लिया है। अगर बात की जाए कि भाई क्या हमारे एयरपोर्ट पे भी कोई चेंज किया गया है, तो वहां पे हम चलते हैं यहाँ पे इसको। ओ भाई क्या मस्त यार, अब मत अच्छा काम कर दिया। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि भाई इस स्टंट की, तो भाई इस स्टंट में यार यहाँ पे अपडेट किया गया है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो। इसके बीच में यहाँ पे आपको येलो यहाँ पे थोड़े से एरो टाइप में यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रही है, जो कि हमारे इसी अपडेट में यहाँ पे यार की गई है, मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लग रही है। तो सामने हमारे यहाँ पे समुंदर काफी ज्यादा बड़ा, और यहाँ पे चलते और देखते भाई वहाँ पे क्या अपडेट किया गया। उसके बाद में हम जाएंगे अपने एयरपोर्ट पे, जहाँ पे मेरे को लग रहा है भाई कुछ ना कुछ तो अपडेट किया गया इस अपडेट में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई भाई कोई मेजर अपडेट यहाँ पे किया नहीं गया, पर जितने भी सारे बग्स और ग्लिच थे वो सारे के सारे यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं। सामने मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा था। चलो अब हम चलते हैं अपने एयरपोर्ट पे, और भाई मेरे को कुछ ना कुछ लग रहा है यहाँ पे। तुम सामने भी देख सकते हो कि यहाँ पे अपने न्यू बिल्डिंग्स भी ऐड कर दिए गए, जहाँ पे इनका कलर भी चेंज कर रखा है, व्हाइट कलर यहाँ पे कर दिए गए इनको। कुछ बिल्डिंग है सारी की नहीं,
तो चलिए अब हम चलते हैं, सामने है हमारे एयरपोर्ट जहाँ पे मेरे को जाके देखना है क्या वहाँ पे भाई कोई ना कोई अपडेट ऐड किया गया या फिर नहीं। तो देखते हैं सामने चल के। तो यहाँ पे फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे एयरपोर्ट का नाम सिर्फ वही है, यहाँ पे कोई भी नाम को चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे देखे जाए तो भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे जो एयरपोर्ट की जो यहाँ पे नीचे वाली जो क्या बोलते हैं उसको रोड थे उन सभी को कलर चेंज करके यहाँ पे थोड़ा सा डर्टी डर्टी कर देगा, और यहाँ पे ये भी थोड़ा ऐसा जैसे कि थोड़ा रूखा सूखा उस टाइप में कर देगा। मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है भाई, काफी अच्छा लग रहा है भाई नीचे इसकी टेक्सचर भी एकदम रियल वाले लग रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि हाँ हम एक GTA 5 जैसा अल्टरनेटिव गेम कोई खेल रहे हैं, जो कि भाई काफी अच्छा लगता है खेलने में भी। तो चलो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे भाई इसका कलर देखो तुम, यहाँ पे अगर टेक्सचर की बात की जाए तो भाई काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि यहाँ पे तुम देख सकते हो एक चीज और यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी नोटिस हो रही है कि इसका थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे पहले जो इसकी हाइट थी वो काफी कम थी, लेकिन यार जो न्यू अपडेट है उसमें इसकी हाइट बढ़ा दी गई है, जिससे कि आप सिटी को देख सकते हो। यहाँ पे भाई सिटी की हाइट थोड़ी ज्यादा नीचे होगी जिससे कि हम पूरी की पूरी सिटी को यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे हम रैम चैलेंज भी करवा मतलब की कार क्रैश टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।